सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी थोड़ा सारिया का साडे यूट्यूब चैनल डेली पंजाब वैदर ते। तो लैके आप हाजिर हुए जी इस वेले की वड्डी खबर। कणक वड्डन तो तुरंत बाद ही हुण किसानां लई आ गई जी यह वड्डी माड़ी खबर, किसी ने सोचा भी नहीं सी। बहुत ही वड्डी खबर है सरोते वीरो, वीडियो दे नाल अंत तक जरूर जुड़े रहना। तो जिन्हां वीरां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, सब तो पहला तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तां जो इसे तरह की वड्डियां खबरां तुहानूं मिल जाए करन। सो दोस्तों, वड्डी खबर लैके पेश होए आ, खास करके साडे किसान भरावां लई वड्डी खबर आ रही है जी। कणक की आमद दे विच कमी अते एजेंसियां वल्लों अनाज की खरीद दे विच आई भारी गिरावट कारण इस सीजन दे विच करीब 7200 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। 5 मई नूं कुल 100.72 लाख मीट्रिक टन कणक की आमद हुई, जो पिछले साल 133.28 लाख मीट्रिक टन सी। इस साल 32.56 लाख मीट्रिक टन कणक की घाट बेमिसाल वध तापमान कारण है। बदले हुए हालातों ने ना सिर्फ किसानों की आमदन खोरा लाया है, सगों पंजाब मंडी बोर्ड मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों नूं भी मालिए का चोखा नुकसान होने का खदशा है। मानसा के जिला मंडी अफसर रजनीश गोयल ने दसा है कि एक क्विंटल कणक एक किसान 2015 रुपये, पंजाब मंडी बोर्ड में 120.9 रुपये, एक आढ़ती 45.83 रुपये, एक मजदूर 24.58 रुपये और एक ट्रांसपोर्टर 27.81 रुपये दिंदी है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट अनुसार जी 32.56 लाख मीट्रिक टन कणक की घाट के मद्देनज़र किसानों 6560 करोड़ रुपए पंजाब मंडी बोर्ड और पेंडू विकास फंड 394 करोड़ रुपए, आढ़ती 149 करोड़ रुपए, 90.5 रुपये ट्रांसपोर्टरों करोड़ा रुपए और मजदूरों 80 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सो यह जी इस वेले की वड्डी खबर। वीडियो में शेयर अगे जरूर करना किसान भरावों के नाल, खास करके जी धन्यवाद।